सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 1 कर चुके थे, 1, 3 दो क्वेश्चन किए थे ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, तो बाकी दो कर लेते हैं, 5 और 7 एक्सरसाइज 13.2 ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, A vessel is in the form of an inverted cone. एक inverted cone के पास its height is 8 cm and radius Up top inverted है ना, inverted up top और radius up top which is open is 5 cm, it is filled with water up to the brim, it is filled with वाटर, लिख लिए आपको ईच अप Each of which is a sphere of radius 0.5 cm is dropped into vessel. One fourth of water flows out. One fourth of water flows out. And the number of lead swords drops in vessel. क्या होगा? आंसर क्या होगा? 100. एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्मेट में, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस टॉप का है 5 सेंटीमीटर, ऊपर से तक भरा हुआ है पानी से, जब इसमें लेड सॉर्ट्स मतलब कि जो कि स्पेयर के शेप में है डालते हैं 0.5 सेंटीमीटर के, तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोस आउट, 1/4 वाटर फ्लो करता है बाहर, तो कितने लेड सॉर्ट्स आएंगे? 100 कैसे किए बेटा बताओ? सर नंबर ऑफ सर वॉल्यूम ऑफ द लेड सॉर्ट्स विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, तो सर वो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें n अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वेयर n इज द नंबर ऑफ सॉर्ट्स, it would be equal to 1/4 of the volume of the cone. उसे equate करके आएगा। ठीक है, सही है? ठीक है, इसका साफ करना। हंड्रेड सही आंसर है। Yes. क्या कर रहे हैं? एक कोन में पानी भरा हुआ है, इसमें ठीक है ऐसे मान लीजिए स्फीयर के साथ ही बॉल्स डाल रहे हैं छोटी छोटी, अब इसमें कितनी बॉल डालें
कि इससे जो वाटर है 1/4 वाटर बाहर आए, तो 1/4 वाटर बाहर आने के लिए 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ये सभी जो लेफ्ट साइड से मतलब स्पेयर है, मान लीजिए वो एन स्पेयर है तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, आगे सर एन है नंबर ऑफ स्पेयर्स और नंबर ऑफ लेट शॉट्स, तो एन ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू वॉल्यूम एक के 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 और कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ आर वन लिख देते हैं जिससे उसमें डिफरेंस है, आर आर कैंसिल ना कर दो, ये 3/3 कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल, एन बराबर कितना हो गया 1/4 आर वन, इसकी रेडियस कितनी है 0.5, रेडियस है 5, इस पे 5 है तो 5 स्क्वायर, यहाँ तो कौन के रखने हैं, हाँ हाइट कितनी है 10 8 सॉरी अपान ये 4 आर क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 का क्यूब, ये तो और इसे कैंसिल हुआ 2, यहां से इसको ले सकते हो 5 स्क्वायर और 5 इंटू 5 इंटू 8 2 और कैंसिल कर देते हैं, यहां आ गया 2 50 कर देते हैं इसको पूरा ऊपर आ गया 2 और इसको ले देते हैं 0.5 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/5 5/5 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है एक ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना हो ऊपर आ गया 10 इंटू 10 100 जी सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ रेगुलर सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो कि कंसिस्ट कर रहा है रेगुलर सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, सॉलिड इसमें कोन है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमी स्फीयर, ये जो कोन है एक हेमी स्फीयर के ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, वही रेडियस तो वही है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर and height 180 सेंटीमीटर, क्या है एक सिलेंडर के अंदर, यह था सिलेंड्रिकल शेप, जैसे यह सिलेंड्रिकल शेप, इसके अंदर एक सॉलिड रखा गया अंदर जिसमें पहले नीचे क्या है एक हेमी स्फीयर है, उसके ऊपर कोन बना हुआ है, उसको इसके अंदर डाल दिया, अब बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम तक टच कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, इसके बाद इसमें वाटर भरा हुआ था, जैसे ही रखेंगे तो कितना वाटर अब बचा हुआ है इसके अंदर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दे, यस वही तो जो हाइट 120 का कितना होता है, कोन की है, कोन प्लस वो है, कोन की और कोन का रेडियस, कोन की हाइट, कोन की हाइट है क्योंकि हेमी स्फीयर की बात उसके बाद बताइए, हाँ
13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm. कोन की हाइट है 120. Radius 16. Standing on a hemisphere. एक हेमिस्फीयर पे है जिसकी रेडियस है 16. इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया गया तो और वो बॉटम को टच कर रहा है तो कितना वॉल्यूम वाटर का सिलेंडर में लेफ्ट रहे बताएं आंसर. बनाइए जल्दी से. इसके बाद अगली एक्सरसाइज 13.3 जिससे वन शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना. कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है. क्वेश्चन आ गया पता नहीं कहां से जीरो. हां ये आंसर तो ऐसे ही लोग देख के बता देंगे गलत है. हां भाई ना ये क्या हो गया. सेंटीमीटर जो कहा था इतना लंबा आ रहा है. सिलेंडर इसके अंदर एक सॉलिड रखना है जिसमें क्या है कोन हेमिस्फीयर जिसके ऊपर एक कोन रखा है. तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा वही वाटर का वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर ये ना जी सर. रेडियस सभी की सेम है सबके लिए आर ही लिख देते हैं. आर बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर दैट इज 0.6 मीटर. ठीक है मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में 60 में ही करते हैं सेंटीमीटर में कर लो आर. ये आर है 60 ये भी आर यही 60 आर सबका सेम सबकी जगह आर ही लिखता हूँ. जहां पे है
वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पर 180 ठीक है इसका एच वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर आर तो सेम एच इसका कितना है 120 एम स्क्वायर का 2/3 पाई आर क्यूब यही कर रहा हूँ यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए यहाँ आया 180 माइनस 120/3 40 ठीक है माइनस 2/3 इंटू आर आर की वैल्यू कितनी है 60 ये कितना हुआ 20 40 कितना आ गया 140 माइनस 100 पाई आर की वैल्यू आर है 60 स्क्वायर सही इंटू पाई 36 डबल अगर मीटर में चेंज करो मीटर क्यूब में तो दो चले जाएंगे 0.36 पाई आ जाएगा 0.36 पाई मीटर क्यूब 0.36 इंटू 3.14 मीटर क्यूब ठीक है कोई डाउट है किसी को नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 इसमें कौन से किए थे ऑड नंबर तो उसमें इवन नंबर लिखे ठीक है यस 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये तो प्रश्नों पे बेस्ड हो नहीं प्रश्नों पे बेस्ड तो 13.4 से 13.3 में तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है ठीक है मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम होता है प्लस सिलेंडर से ठीक है कोन को मेल्ट कर दिया सिलेंडर बना दिया स्पेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया ऐसे कुछ ठीक है तो देखिए सेकेंड है मेटलिक स्पेयर रेडियस 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड इनको मेल्ट किया गया आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर सॉलिड इन तीन स्फीयर को मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया उसे फाइंड रेडियस ठीक है जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कैलकुलेट करें क्या होगी करो जल्दी से कैलकुलेट स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करनी तीन सिलेंडर स्फीयर को 12 है क्या वही बच्चे बताएं बाकी 12 आ रहा है 13.3 देख के बताते हैं बेटा 12 आ रहा है कि नहीं 13.3 क्वेश्चन 2 12 सही है 12 पूरा कैलकुलेट किया कि याद था सर 4/3 पाए तो सब में से कैंसिल होकर चला जाएगा तो फिर 6 क्यूब + 8 क्यूब + 10 क्यूब 12 क्यूब आ जाता है फिर वो कैलकुलेट कर लिया 1728 आ रहा था प्लस करके तो 12 आता है हां नहीं आता तो है मतलब वही कैलकुलेट किया कि याद था कि कैलकुलेट करके किया है ये याद था कि 12 का क्यूब 1728 होता है फिर वही आ रहा था तो वही आया ठीक है तो तीन छोटे छोटे स्फीयर गोलों को मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया गया पहले की रेडियस आर थी आर वन आर टू और आर थ्री इनको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाना है इसकी रेडियस आर है आर वन आर टू आर थ्री तो इन तीनों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर वन क्यूब 4/3 पाई आर टू क्यूब 4/3 पाई आर थ्री क्यूब ये बराबर क्या होगा इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यस 4/3 पाई तो कैंसिल हुआ आर वन क्यूब
फर्स्ट की रेडियस कितनी है? 6, 6 क्यूब 216 प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर r क्यूब. 6 क्यूब कितना होता है? 216 ये होता है 512 1000 कितना आ गया? 1728 12 का क्यूब है r की वैल्यू हो गई 12. क्वेश्चन नंबर 4. A well of diameter. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out has been spread evenly all around it in the shape of circular ring. In the shape of circular ring. ठीक है, ये फॉर्मेट में अर्थ को मतलब कि मिट्टी जो इससे निकले वह खोद करके उसको एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में फैला दिया गया है. इवन लिख आप विड्थ 4 मीटर आप विड्थ 4 मीटर टू फॉर एंड embankment. Embankment क्या होता है? Embankment. Find height of embankment. Diameter रहेगा 3 मीटर है उसके बाद height 14 मीटर. अब वे आप height का diameter 3 मीटर 3 मीटर diameter है और 14 मीटर deep तक 14 मीटर इसकी खुदाई की गई और उससे जो मिट्टी निकली उसको एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में जिसकी विड्थ सर्कुलर रिंग की विड्थ का क्या मतलब हो गया सर? सर वो उसके रेडियस के बाद जो विड्थ है उसकी सिर्फ रिंग की सिर्फ रिंग की विड्थ का क्या मतलब है? विड्थ मतलब डायमीटर. सर्कुलर रिंग है ना सर्कुलर रिंग. अरे सर वो पुराना पेड़ के साइड में बैठ लेगा लेकिन मान लेते हैं तो लेकिन विड्थ का क्या मतलब है? कितना मतलब डायमीटर हुआ ना डायमीटर प्लस ऐसे आपने यहाँ पर हुआ खोला था तो यहाँ पे इसके चारों तरफ 5.5 हो जाएगा नया ये मिट्टी को दी बनाई इससे जो मिट्टी निकली इस तरफ से यहाँ प्लेटफॉर्म बना रहा है इसकी जो विड्थ है ये है 4 मीटर ठीक है ये नीचे की तरफ है ना वो हो जाएगी क्या कहते हैं क्या बता रहे बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 3.5 समझो और आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहे हो? ये तो 7.8 ये तो नहीं दिया है आंसर. 90/33 नहीं आसान ही है. नहीं बेटा ये आंसर नहीं है. 1.125 आंसर दिया. वापस देखिए नहीं ये हाइट कैलकुलेट करनी तो वेल का वॉल्यूम क्या हुआ? ये आर 99 मीटर 1.5 तो
इसका वॉल्यूम हुआ, वेल का वॉल्यूम 99, सिलेंडर का है वॉल्यूम है r स्क्वायर, मतलब 1.5 का स्क्वायर इनटू h 14, यही बराबर बाहर वाले वॉल्यूम हुआ। तो इसको देखिए आउटर रेडियस कितनी होगी, ये 1.5, तो ये बाहर के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे, हाइट यही h है, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू एच माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच ये पाई तो कैंसिल कर दिया, H कैलकुलेट करना है, R1 स्क्वायर हो गया 4.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, H कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4.5 माइनस 1.5 3 इंटू 4.5 प्लस 1.5 6 into h बराबर ही आ गए 2.25 into 99 14 तो पंक्ति का स्क्वायर 2.25 नहीं नहीं मतलब ये इसका आंसर 99 यहाँ वाली साइड में h बराबर 2.25 into 14 by 18 2.24 by 18 तो यहाँ से बल्कि इसको कर दो 7 ये हो गया 3 तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई करते कितना आया 5 फिर 7 15.7 हो गया। डिवाइड करो, देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना, बाकी आप चेक करिए, अभी डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन मुझे आंसर ये 1.125 का नहीं दिखाई दे रहा इसको डिवाइड करने में। सर आपने हाइट कॉमन ली है 1.75 आएगा सर, हाइट कॉमन ली है तो हाइट तो यहाँ तक तो कॉमन ली है, जहां तक इस बाहर जो मिट्टी बिछाई उसकी लिए तो हाइट कॉमन लेंगे 1.25 है पता नहीं सर समझ नहीं आ रही है, उसके लिए तो हाइट कॉमन लेंगे ना, उसका बुक में आज कल 9/8 बाकी लोग देखिए कहाँ कैलकुलेशन क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, मुझे इधर पाई कॉमन लिया इधर पाई एच कॉमन लिया 11/2 माइनस 3/2 तो मैं पहले स्क्वायर करना भूल गया था, मैं यहाँ स्क्वायर करके किया 1/1 2/4 आया था तो इसको दूसरी तरफ ले आके, अच्छा एक मिस्टेक यहाँ पे मुझसे लिखने में हो गई इसलिए नहीं आ रहा है, बाकी सब ठीक है मेथड सब ठीक है, यहाँ मैंने 4.5 ही दिया जबकि 4 प्लस 1.5 5.5 लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा था 5.5 लिखा था, तो 5.5 यह आएगा 4 into 7 ठीक है ये हुआ, अभी इससे कैंसिल हुआ 14 से तो ये आ गया 2.25 by 2 कितना हो गया 1.125, बाकी सब ठीक था, यहाँ लिखते हुए 4.5 लिखा गया इसलिए नहीं आ रहा था, बाकी मेथड तो सही था ठीक है। तो एक बार दोबारा एक बार बता दूं ये कैसे अपने एच किसे कॉमन लिया, एच देखो इसकी हाइट एच है, ये एच यहां तक ही हमें इस हाइट का ही प्लेटफॉर्म बनाना है सर्कुलर रिंग का, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, तो बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस, अंदर वाला बाहर के सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना है, लेकिन पूरा डेप्थ तक नहीं माइनस करना है, केवल यहीं तक माइनस करना है जिससे कि इतना वॉल्यूम आए, तो दोनों की हाइट तो सेम रहेगी, ये बाहर की रेडियस होगी आर 1.5, अंदर की होगी 1.5, तो पाई आर 1² h माइनस पाई आर 2² h, ये है बाहर जो आपने मिट्टी मिलाई उसका वॉल्यूम, और अंदर से जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू एच, उसके लिए वेल की हाइट 14 है,
ये दोनों बराबर होने चाहिए। सॉल्व वही किया, बस यहाँ एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था तो नहीं आ रहा था आंसर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस वन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड हाफ थिकनेस टू मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कितने सिल्वर क्वाइंस को मेल्ट किया जाएगा, सिल्वर क्वाइंस जिसका 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है और थिकनेस 2 मिलीमीटर मतलब हाइट हो गई 2 मिलीमीटर एक तरह से, इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाना है तो कितने सिल्वर क्वाइन लगेंगे कि इतनी हाइट का इन डाइमेंशंस का एक क्यूबॉइड बन जाए। वॉल्यूम सेम करना है बस दोनों के, नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइंस एन ले लीजिए उससे आ जाएगा। सिल्वर क्वाइंस सिलेंड्रिकल शेप, बनाइए और बताइए आंसर। तो 400 400 हाँ सही। ऐसे लोग कहाँ से हैं, ये हाइट है 2 मिलीमीटर दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर इसका है 1.75 सेंटीमीटर बाय 2 रेडियस हो गया। जब n ऐसे पॉइंट्स यूज होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, n इनटू बराबर क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम यही है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इससे एन कैलकुलेट करना ठीक है। 1.75 का डबल होता है 400 आएगा, 400 आ रहा है जो हो गया 55 इंटू 3.5, इसको लिखते हैं एन इंटू 1.75 इंटू 1.75 बाई टू इंटू 0.2 इससे कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, ये वो 5 वैल्यू क्या रखते हैं 22/7 या 3.14 22/7। अब इससे कैलकुलेट करें, ये 11 से कैंसिल हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 2 2 से गया। 100
और 0.25 है 1/4, 4 ऊपर गया 400। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिंक वाटर इन अ कैनल, इन अ कैनल 6 meter वाइड एंड 1.5 meter डीप इज फ्लोइंग, मीटर डीप इज फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर हाउ मच एरिया विल बी, विल इट इरिगेट इफ इन 30 मिनट्स, in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed, standing water is needed, so a canal jo ki 6 meter wide hai 1.5 meter depth hai usse water flow ho raha hai is speed se, kheton mein pani ja raha hai, ab kitna एरिया 30 मिनट्स में इरिगेट, ठीक है, उसकी सिंचाई कितने एरिया की हो जाएगी, डेट हो जाएगा 30 मिनट्स में, जब हमें स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए 8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दी हुई है, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम हो गया, और इधर से वॉल्यूम निकाल लेंगे, यह है वेट डेप्थ, वेट डेप्थ, और इससे मिल जाएगी लेंथ वाटर के, फाइव सिक्स टू फाइव मीटर स्क्वायर ये आ रहा है इसका, देखें 13.3, 5625 मीटर स्क्वायर, 5625 के बाद 2 जीरो भी है, मेरा 5625 के बाद 00 भी आ रहा है, हाँ 00 भी आ रहा है, सही आ रहा है, 5625 00 मीटर स्क्वायर, ये आंसर। देखिए वाटर था, ठीक है, 6 मीटर वाइड है ये कैनाल चल रही है, इसकी डेप्थ कितनी है, हो गया, हो गया सर, आ गया 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर, ये हुआ, यस, ये हुआ 6 मीटर, ऐसे फ्लो हो रहा वाटर, तो लेंथ जो होगी उससे क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड जैसा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 × 1000 मीटर एक घंटे में होगा, आधे घंटे 30 मिनट में वाइड होगी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, एरिया इरिगेट करना है, तो एरिया हमें कैलकुलेट करना है इनटू हाइट, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, मींस 8/100, हां ये ही नहीं करा मैंने, 8 ले लिया था, ये है ना, हां हो गया, तो ये आ जाएगा आंसर, ये हो गया 3, और इससे आ गया 3 × 1.4 45, कितना हो गया 45,000 / 0.08,
4 0 और 4.5 अच्छा 3 0 एक पॉइंट को हटाने के लिए यूज हो गए इनटू 100 अपॉन 8 ए है ये यस इससे डिवाइड करो आई 562 फिर कितने टाइम जाएगा 6 और 8 फिर कितना हुआ 22.5 फिर ये 100 से 00 मीटर स्क्वायर ये एरिया ठीक है तो ये 13.3 कंप्लीट हो गई तो टॉपिक ये कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके बाद कौन